अमरीका के टैक्सास विच ड्रैग रेसिंग इवेंट विच कार कंट्रोल तो बाहर होकर दर्शकों से चढ़ गई, जिस करके दो बच्चों की मौत हो गई तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा दोपहर 3:20 से एयरपोर्ट रेस वार्स नाम के समागम विच होया, जो कि सान एंटोनियो के उत्तर पश्चिम विच केरविले केर काउंटी एयरपोर्ट से आयोजित किया जा रहा है। केरविले पुलिस विभाग मुताबिक शनिवार को एक दौड़ में हिस्सा ले रही एक कार रनवे तो बाहर चली गई और कई पार्क किए वाहनों और रेस में वेख रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 8 साल और 6 साल लड़के की मौत हो गई। केरविले पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है।